हेलो दोस्तों, आज के स्टूडियो में हमारे पास एक वीडियोकॉन कंपनी की वॉशिंग मशीन है। इस वॉशिंग मशीन में हमारा वॉश सेक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है, बट जो स्पिन सेक्शन है, स्पिन सेक्शन में स्पिन मोटर जल चुकी है क्योंकि वहां पर ऑयल सिंह से वाटर लीकेज हो रहा था। तो आज के स्टडी में हम सीखने वाले किस तरह से वॉशिंग मशीन में स्पिन मोटर एंड ऑयल सील को रिप्लेस किया जाता है, वॉशिंग मशीन में किस तरह से मैकेनिज्म को ओपन किया जाता है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सीरीज बोर्ड के जरिए चेक कर लेते हैं। देखिए, अभी वॉश सेक्शन को हम सीरीज बोर्ड के जरिए चेक कर रहे हैं तो हमारा वॉश सेक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है। एक बार हम इसे रोटेट कर देख लेते हैं तो देखिए वॉश सेक्शन हमारा पूरी तरह से परफेक्टली वर्क कर रहा है। एक बार हम स्पिन सेक्शन को चेक कर लेते हैं। देखिए स्पिन सेक्शन को हम सीरीज बोर्ड में लगाते हैं तो देखिए सीरीज बोर्ड में लगाने से अभी हम स्पिन मोटर के जैसे ही टाइमर को रोटेट करते हैं तो टाइमर को रोटेट करने से देखिए हमारा टाइमर तो स्टार्ट हो चुका है बट अभी हमारी मोटर रन नहीं कर रही है क्योंकि हमारी मोटर जल चुकी है। चलिए किस तरह से अब स्पिन मोटर को खोला जाएगा, किस तरह से ऑयल सील को चेंज किया जाएगा, स्पिन मोटर को चेंज किया जाएगा समझ लेते हैं। अभी देखिए हमने वॉशिंग मशीन के बैक पैनल को निकाल कर रखा है, अब किस तरह से वॉशिंग मशीन के मैकेनिज्म को खोला जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो यहाँ पर नट्स दिए जाते हैं सभी नट को आपको खोल लेना है और देखिए यहाँ पर जो ड्रेन सेक्शन के लिए रस्सी दी जाती है जिससे आपका वाटर ड्रेन होता है तो इस रस्सी को भी हमने अभी खोल लिया है। देखिए यहाँ से ड्रेन सेक्शन की रस्सी को खोल लिया है और यहाँ पर आपको जितने भी नट दिए गए हैं सभी नट्स को आपको खोल कर यहाँ से जो आपका बॉटम सेक्शन है बॉटम सेक्शन को आपको सबसे पहले अलग कर लेना है। चलिए बॉटम सेक्शन के सभी नट्स को हम अलग कर लेते हैं। एक नट यहाँ पर भी दिया जाता है तो इस नट को भी आपको खोल लेना है। चलिए सभी नट बोल्ट्स को हमने खोल लिया है। नट बोल्ट्स को खोलने के बाद वॉशिंग मशीन में देखिए जो तीन यहाँ पर फुट होते हैं तीनों फुटों में भी एक एक नट लगाया जाता है। देखिए तीनों फुट के एक एक नट को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारे तीनों फुट के नट खोल चुके हैं। अब यहाँ से देखिए वॉशिंग मशीन में आपको देखिए यहाँ पर आपको जो ऊपर का नट दिया गया है वॉशिंग मशीन मोटर में तो ऊपर वाले नट को आपको खोल लेना है क्योंकि ऊपर वाले नट के ज़रिए आपके स्पिन सेक्शन का जो टब की शाफ्ट होती है शाफ्ट मोटर में कनेक्ट होती है। इस नट को खोलने के लिए 8 के पानी की ज़रूरत होती है तो 8 की टामी हमने यहाँ पर लगाई और इस नट को यहाँ पर खोल लेना है। देखिए 8 के टामी से सबसे पहले उस नट को खोला। अब जो आपका देखिए स्पिन सेक्शन का जो टब है आपको इसको हल्का हल्का सा घुमा कर मोटर से अलग कर लेना है। देखिए आज के स्टूडियो में हमारे पास जो वॉशिंग मशीन है इसमें जो टब की शाफ्ट है वह मोटर में जंग लगने के कारण फंस चुकी है, अदरवाइज ये काफ़ी आसानी से निकल जाती है। अब चूँकि हमारी वॉशिंग मशीन बहुत टाइम से नहीं खुली थी इसलिए वहाँ पर जंग लग चुका है और जंग लगने के कारण यहाँ पर देखिए हमारे टब से शाफ्ट अलग नहीं हो रही है। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर अब बॉटम सेक्शन को अलग करना होगा। तो बॉटम सेक्शन को अलग करने के लिए देखिए हमारे पास जो वॉशिंग मशीन मोटर के जो फुट दिए गए हैं इन तीनों फुटों को हमें देखिए दबाकर इस तरह से जो लॉक दिए गए हैं तीनों लोगों को दबा के सबसे पहले मोटर को यहाँ से अलग कर लेना है क्योंकि मोटर में जंग लगने के कारण शाफ्ट अलग नहीं हो रही है, अदरवाइज़ काफ़ी आसानी से शाफ्ट टब से अलग हो जाती है। देखिए अब यहाँ पर हमें किस तरह से ओपन करना होगा समझ लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए जो नीचे वाला नट है ऊपर वाले नट को हमने पहले ही खोल लिया, अब नीचे के नट को हमें खोलना होगा और यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा जंग लग चुका है तो आपको हल्का सा वहाँ पे ऑयल लगा देना है। हमने यहाँ पर ऊपर देखिए ऑयल लगाया और ऑयल लगाने के बाद इसे काफ़ी मशक्क़त करने के बाद आपको यहाँ से अलग कर लेना है। देखिए यहाँ पर क्योंकि जंग लग चुका है इसलिए इतनी प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज़ ये काफ़ी आसानी से अलग हो जाती है। चलिए इसे हमें हल्का सा प्रेशर लगा कर इसे सबसे पहले अलग कर लेना है, अदरवाइज जंग नहीं लगता तो काफ़ी आसानी से निकल जाती। देखिए यहाँ से ये निकल चुकी है। अब आप देख सकते हैं शाफ्ट में काफ़ी ज़्यादा जंग लगा था और ऊपर देखिए मोटर में भी देखिए वहाँ पर जो उसकी पुली है पुली में भी काफ़ी ज़्यादा जंग लगने के कारण ये नहीं निकल रही थी। चलिए अभी हमने यहाँ से अलग कर लिया। अब हमें इस ऑयल सील को रिप्लेस करना है क्योंकि इस ऑयल सील से वाटर लीकेज हो रहा था जिसके कारण हमारी मोटर जली है। यदि ये ऑयल सील सही रहती
तो हमारी मोटर नहीं जलती। अब इस ऑयल सील को किस तरह से खोला जाएगा, किस तरह से चेंज किया जाएगा, समझ लेते हैं। ये ऑयल सील के कारण ही हमारी मोटर जली। यदि ऑयल सील सही रहती तो हमारी मोटर नहीं जलती। देखिए, सबसे पहले इस पुली को हमें यहाँ से अलग कर लेना है। देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जंग लगा था। हमने यहाँ पे हल्का सा ऑयल डाला और ऑयल डालने के बाद यह पुली शाफ्ट से अलग हुई है। अब हमें ऑयल सेल को निकालना है। तो ऑयल सेल को निकालने के लिए देखिए जो लॉक दिए गए हैं, इन लॉक को आपको दबाकर बाहर निकाल लेना है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा टाइट होते हैं यह लॉक। तो हम यहाँ पर देखिए एक पेचकस का यूज़ कर रहे हैं और पेचकस की सहायता से दबाकर इन लॉक्स को निकाल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर इसमें आपको थोड़ी ताकत लगाना होगी और सभी लॉक्स को एक एक कर आपको बाहर कर लेना है। इस ऑयल सील के कारण ही हमारी मोटर जली है, क्योंकि वहाँ से वाटर का लीकेजिंग हो रहा था। चलिए, हम सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रेशर लगाना होगा, इसका आपको ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑयल सील टाइट होती है। देखिए, ऑयल सील हमारी निकल चुकी है। चलिए, ऑयल सील यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले मोटर का कनेक्शन आपको रिमूव कर लेना है। और जब मोटर का कनेक्शन रिमूव करें, तो यदि आप टेक्नीशियन नहीं हैं तो सबसे पहले कनेक्शन को नोट कर लीजिए, किस वायर को कहाँ से आपने निकाला था। चलिए, सभी कनेक्शन को हमने रिमूव कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पर हम इस टॉप पैनल को जो दिया जाता है स्पिन सेक्शन का, टॉप पैनल को निकाल लेते हैं। और इस टॉप पैनल को निकालने के बाद यहाँ से देखिए हमारा स्पिन सेक्शन में जो टब दिया जाता है, इस टब को हमें बाहर कर लेना है। देखिए, टब हमारा बाहर आ चुका है। अब चूंकि नीचे देखिए हमने यहाँ पर जो शाफ्ट है प्लायर की सहायता से पकड़ी थी और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जोर लगाया था, जिसके कारण देखिए हमारी जो शाफ्ट है उस पर कई तरह के निशान हो चुके हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो इन निशान को एकदम प्रॉपर करने के लिए हम देखिए फाइल की सहायता से इसे हल्का सा घिस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़रा सा भी निशान या हमारी शाफ्ट ने कटी पिटी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम इसे पहले घिस लेते हैं। देखिए, अच्छे से घिसने के बाद हमें ऑयल सील को निकाल लेना है। शाफ्ट में ज़रा सा भी निशान नहीं होना चाहिए, शाफ्ट ने घिसी नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारी ऑयल सील निकल चुकी है। अब ये ऑयल सील में देखिए जो से हमारे पास सेंटर वाला पोर्शन है जहाँ शाफ्ट फिट होती है, वहाँ पर आप देखिए वाटर लीकेजिंग के कारण हमारी मोटर यहाँ पर जली है। अब देखिए, यहाँ पर हम न्यू मोटर फिट कर रहे हैं और यहाँ पर हम न्यू ऑयल सील परचेस कर मार्केट से लाए हैं। आप सेम साइज की ऑयल सील परचेस करके लाइए, काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वॉशिंग मशीन में जो ऑयल सील का साइज होता है वो अलग अलग होता है। चलिए, अब यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन मोटर में ब्रेक का मैकेनिज्म है, हमें इस नई मोटर में फिट करना होगा। चलिए, इस मैकेनिज्म को खोल लेते हैं। यहाँ पे जो नट दिए गए हैं, इन नट को हमें सबसे पहले खोल लेना है और जो ओल्ड मोटर है उसे ब्रेक का जो मैकेनिज्म है उसे हमें निकाल लेना है और इस मैकेनिज्म को हमें न्यू मोटर में फिट कर लेना है। तो देखिए, आपके पास जो वॉशिंग मशीन मोटर है वो सेम साइज की होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, हमारे पास जो न्यू वॉशिंग मशीन मोटर है सेम साइज की है, तो तीन नट हमें यहाँ पर लगा लेना है। देखिए, यह जो मैकेनिज्म मोटर पर लगाया गया है ये ब्रेक का मैकेनिज्म है। चलिए, यहाँ से हमारे पास तीनों नट को हमने फुल टाइट कर लिया है और जो मैकेनिज्म है उसे हमने प्रॉपर फिट कर लिया है। अब देखिए, वॉशिंग मशीन के जो फुट है, वॉशिंग मशीन मोटर के जो फुट है, उन तीनों फुट को भी हमें यहाँ से खोलना होगा। तो तीनों फुट को हम यहाँ पर खोल लेते हैं और इसे न्यू मोटर में हमें फिट कर लेना है। देखिए, फुट में यहाँ पर इस तरह से लॉक दिए जाते हैं, तो इस तरह से लॉक को हमें यहाँ पर फिट कर लेना है और नट अच्छे से टाइट कर देना है, लूजिंग ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से देखिए, तीनों लॉक को हमने नट के सहायता से काफ़ी आसानी से आप फिट कर सकते हैं। तो देखिए, तीनों फुट हमारे फिट हो चुके हैं। हमारे पास जो न्यू मोटर है उसमें ब्रेक का मैकेनिज्म भी फिट हो चुका है, साथ ही साथ तीनों फुट भी हमने यहाँ पर फिट कर दिए हैं। ये हमारे पास ओल्ड मोटर है, देखिए ये ब्रेक का मैकेनिज्म है, इसके ऊपर अब हमें पुली को लगाना होगा। पुली को लगाने से पहले इस पर आप अच्छे से ऑयल ज़रूर लगाइए, ऑयल लगाने से वहाँ पर जंग नहीं लगेगा। तो अच्छा सा हमने पहले इसकी शाफ्ट पर ऑयल लगा दिया है और पुली को प्रॉपर हमें फिट कर देना है। देखिए, यहाँ पर अब इसे भी हमें एक नट के सहायता से फुल टाइट कर देना है। देखिए, अच्छे से जो नीचे वाला नट था इसे हमें अच्छे से लगा कर इसे प्रॉपर फिट कर देना है। अब हमारे पास जो न्यू ऑयल सील है, उस ऑयल सील को देखिए इस तरह से लॉक इसमें फिट होते हैं। हमने यहाँ पर न्यू ऑयल सील को परचेस किया है। चलिए, ऑयल सील को हमें फिट कर लेना है इस तरह से। चलिए, आप ऑयल सील को प्रॉपर जिस तरह से हम फिट कर रहे हैं इसी तरह से आपको फिट करना है। देखिए, ऑयल सील हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
अब इस ऑयल सील पर हमें एनाबोन नाम का एक जो ट्यूब आता है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, इस एनाबोन नाम के जो ट्यूब को यहाँ पर हमें लगा लेना है जिससे ऑयल सील वहाँ पर प्रॉपर चिपकी हुई रहती है। तो देखिए एनाबोन नाम का जो ट्यूब है उसे हम यहाँ पर लगा रहे हैं जिससे ऑयल सील पूरी तरह से वहाँ पर चिपक जाएगी। देखिए हमारे पास जो ट्यूब है एनाबोन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब देखिए ऑयल सील को किस तरह से हमें प्रॉपर फिक्स करना होगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस ऑयल सील को आपको जो टॉप सेक्शन है यहाँ से देखिए स्पिन सेक्शन में अंदर की तरफ से यहाँ पर ऑयल सील हमें अंदर रखना है। अब यहाँ से सभी लॉक्स को देखिए सभी लॉक को हमें यहाँ पर अंदर यहाँ पर इस तरह से फिट करना होगा। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ताकत लगेगी, काफ़ी मुश्किल काम है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ टामी हमने यहाँ पर लेकर रखी है, तो उस टामी की सहायता से हम इस ऑयल सील को फिल कर रहे हैं। देखिए ये हमारे पास कुछ टामी है, इस टामी को देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से लगाना होगा और यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा ज़ोर या काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाना होगा तब कहीं जाकर आपकी ऑयल सील फिट होगी। और इसको आपको सही से फिट करना है, आपको ध्यान रखना है ऑयल सील के जो लॉक है वो टूटे नहीं। देखिए इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से हम टाइमी फंसा फंसा कर देखिए यहाँ पर ऑयल सील को फिट कर रहे हैं। चलिए इस तरह से हम ऑयल सील को एक एक दाते कर आपको एक एक दादा कर इसे फिट करना है और सभी जगह से प्रॉपर फिट होना चाहिए। देखिए इस तरह से मैकेनिज्म को रोटेट कर करके हमें ऑयल सील को फिट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ ऑयल सील प्रॉपर फिट हो चुकी है। देखिए सभी टॉमिस की सहायता से हमने ऑयल सील को यहाँ पर फिट कर लिया है। चलिए ऑयल सील फिट होने के बाद हमें यहाँ पर मोटर को फिट करना है। तो मोटर को देखिए जो मोटर के 3 फुट होते हैं 3 फुट को यहाँ पर लॉक की सहायता से हमें यहाँ फिट कर लेना है। चलिए अब हम मोटर को जो न्यू मोटर है उस न्यू मोटर को यहाँ पर फिट कर लेते हैं। अब किस तरह से वॉशिंग मशीन को प्रॉपर रीअसेंबल किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए हमारी मोटर यहाँ पर फिट हो चुकी है। देखिए मोटर के फुट में जो 3 नट दिए गए हैं तीनों नटों को आपको अच्छे से लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मोटर हमारी प्रॉपर फिट हो चुकी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए जो आपका बॉटम सेक्शन का टब है इस बॉटम सेक्शन के टब को आपको जो नट आपने निकाले थे सभी नटों को आपको दोबारा से अच्छे से लगा देना है। तो चलिए सभी नट्स को हम यहाँ पर लगा देते हैं और जो बॉटम सेक्शन का टप है इस बॉटम सेक्शन के टप को हम फिट कर लेते हैं। देखिए सभी नटों को हमें लगा लेना है, जिस तरह से हमने खोले थे उसी तरह से सभी नटों को यहाँ पर अच्छे से फुल टाइट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास बॉटम सेक्शन का जो टप है वो प्रॉपर फिट हो चुका है। तो टप के सभी नटों को आपको अच्छे से फुल टाइट कर देना है। और देखिए एक नट हमने यहाँ से भी निकाला था तो इस नट को भी हमें यहाँ पर अच्छे से फुल टाइट कर देना है। चलिए सभी नट हमारे यहाँ पर फिट हो चुके हैं। अब देखिए जो हमारे पास स्पिन सेक्शन का टप है इस टप को देखिए यहाँ से जो इसे हमने प्लायर से पकड़ा था तो प्लायर से पकड़ने के कारण इस पर काफ़ी ज़्यादा निशान हो चुके हैं जिससे हमारी शाफ्ट घिस चुकी है। तो इस शाफ्ट को देखिए हमें यहाँ पर रगड़ कर एकदम साफ कर लेना है। देखिए अच्छे से साफ करने के बाद इस पर आपको ग्रीस लगा देना है, ऑयल लगा देना है जिससे यहाँ पर इसमें चिकनाहट होना चाहिए। जितनी ज़्यादा चिकनाहट होगी उतनी आसानी से आपका ये ऑयल सील में बैठ जाएगा। देखिए ऑयल सील में फिट करने के लिए इस पर अच्छे से हमने ऑयल लगा लिया है। अब इस टब को देखिए यहाँ पर जो ऑयल सील दी गई है इसमें आपको अच्छे से फिट कर लेना है। ध्यान रखिए इसमें आपको जोर नहीं लगाना है, हल्के हाथ से क्योंकि आपने इसमें ऑयल लगाया है तो ये आसानी से फिट हो जाना चाहिए। इसमें आपको जोर नहीं लगाना है अदरवाइज आपकी ऑयल सील अगेन कट सकती है जिससे आपके स्पिन मोटर और जल जाएगी। देखिए हमने यहाँ पर हल्का सा घुमा घुमा कर इस टब को अच्छे से फिट कर लिया। इसमें यदि आपको जोर लगाते हैं तो आपकी ऑयल सील के कटने का खतरा रहता है। चलिए अब हमें यहाँ पर नट लगा लेना है। इस तरह से जो ऊपर वाला नट है उसे हमें यहाँ पर लगा लेना है जिससे जो शाफ्ट है वो मोटर से कनेक्ट हो जाएगी। अच्छे से हमें टाइट कर लेना है और उसे टाइट करने से पहले आपको टब को हल्का सा घुमाकर चेक कर लेना है। देखिए अच्छे से आपको टब को चेक कर लेना है प्रॉपर कनेक्ट हो रहा है या नहीं। देखिए हमारा यहाँ पर जो मोटर है वो प्रॉपर फिट हो चुका। अब हमने कनेक्शन को जिस तरह से रिमूव किया था आप कनेक्शन को रिमूव करने से पहले मार्क ज़रूर कर लीजिए।
अब जिस तरह से हमने कनेक्शन को जिस कनेक्टर से रिमूव किया था उसी तरह से मोटर का हमें कनेक्शन कर लेना है। यदि आप इस वॉशिंग मशीन का कनेक्शन वॉच करना चाहते हैं तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने वीडियोकॉन कंपनी की वॉशिंग मशीन की कंप्लीट वायरिंग किस तरह की जाती है समझाया था। यदि आप इस वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन की वायरिंग सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर वॉच कर लीजिए। देखिए, जिस तरह से हमने मोटर का कॉमन स्टार्टिंग एंड रनिंग के वायर को ओपन किया था उसी तरह से तीनों वायर्स को हमें फिट कर लेना है। चलिए, हमारे वायर्स फिट हो चुके हैं, एक बार सीरीज बल्ब से चेक कर लेते हैं। देखिए, सीरीज बल्ब से जैसे ही स्पिन मोटर को यहाँ पर घुमाया, हमारा बल्ब यहाँ ग्लो कर रहा है। चलिए, अब हम एक बार मोटर को भी घुमा कर चेक कर लेते हैं। तो चलिए, हमें मोटर को घुमाने के लिए देखिए यहाँ से अभी सीरीज बल्ब से हम कनेक्शन को निकाल कर इसे पैरेलल कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर स्विच को ऑन करते हैं स्पिन मोटर का, आप देख सकते हैं हमारी स्पिन मोटर प्रॉपर वर्क कर रही है। देखिए, स्पिन मोटर हमारी घूम रही है। तो इस तरह से आप किसी भी वॉशिंग मशीन के मोटर और ऑयल सील को रिप्लेस कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो आज